हेलो पिला माने, वेलकम टू आवर चैनल टू ए न्यू वीडियो व्हिच इज बेस्ड अबाउट सिलिंड्रिकल शेल मेथड। तो स्टूडेंट, आज क्लास रे आम मैंने पढ़े जाऊँ कौन ना सिलिंड्रिकल शेल मेथड टॉपिक ऊपर। ओके, तो आज कॉन्सेप्ट हूँ सिलिंड्रिकल शेल मेथड। जदि बाय चांस तुमको गोटे सॉलिड दे छुआ, गोटे सॉलिड रे तुमको वॉल्यूम मांगी थी, केमती ना कही थो फाइंड दि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यूजिंग सिलिंड्रिकल शेल मेथड। Then how to find the solution of the solid using cylindrical shell method? तो देखो cylindrical shell method ये सब किसी important अच्छी और किसी difficult नहीं। Just put the formula, get the answer। तो कौन दिवो? तमरो cylinder, हमरो shell टा cylindrical shell किंबा से जो रहिला region, बस तमरो solid हो जाए, कौन उड़े axis चारी पटे कौन revolve करतुबो? जो एक्सिस चारी पटे बुलुतुबो, हमें सेट दारो volume find करीबा। एलंग एक्स एक्सिस बाहर को एलंग एक्स एक्सिस रे बाहर करले तापई फार्मूला अलग, एलंग वाई एक्सिस रे करले तापई फार्मूला अलग। कथा कोन कहली बुझियला? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यूजिंग सिलिंड्रिकल शेल मेथड रे कोन हिजबो? v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b 2 पाई y f ऑफ y इन डॉट dy। एटा कोथरे पिला माने ना एलंग एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, अब करसे बुझि पारतो? जदि पिला माने सॉलिड टा एक्स एक्सिस रे चारिपटे रिवॉल्व करथो, जदि ये एक्स एक्सिस रे चारिपटे रिवॉल्व करथो पिले, देन यार कोन जो ना वॉल्यूम केमती बाहरिबो? ना v वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई y इनटू f ऑफ y इनटू dy अलोंग एक्स एक्सिस। एटा तमरो फार्मूला रहला। सेम जदि एटा अलोंग y एक्सिस रे थिबो, केमती तार फार्मूला हबो? ना v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b 2 पाई x इनटू f ऑफ x होल इनटू dx अलोंग along y-axis तरह थिले तार सॉल्यूम रो वॉल्यूम रो कौन हिजबो? सॉलिड रो वॉल्यूम फार्मूला कौन हिजबो? ना v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई x इनटू f ऑफ x इनटू dx, इटा तमरो along y-axis। तो एही हिसाब रे सिलिंड्रिकल सेल मेथड रे तमरो कौन करथिबो? तो जे along x-axis रे थिबो किमा along y-axis रे थिबो, तमे तार रेस्पेक्टिव फार्मूला पुट करी तार सॉल्यूशन आराम से फाइंड कर दे पारिबो। एथिरे तमरो 2 मार्किया किमा 3 मार्किया क्वेश्चन देखे पई मिलिबो। तमको नॉर्मली रे क्वेश्चन देइछो छुआ, ओडे क्वेश्चन देइथिबो, क्वेश्चन रे किछ फंक्शन भी गिवन दे दिथबो, तार लिमिट पॉइंट भी दे दिथबो, देन कहिथिबो एटा along x-axis चारि पटे रिवॉल्व करूछि किबा along y-axis चारि पटे रिवॉल्व करूछि, देन तमको कोन अछि ना एठी यार वॉल्यूम फाइंड करबे अछि। जदि along x-axis रे कहिथिबो ता पई फार्मूला एटा, जदि along y-axis कहिथिबो ता पई फार्मूला एटा। तो फार्मूला जस्ट सिंपल, फार्मूला को मन रखिया पई चेष्टा करो, आ फार्मूला वन्स मन रखि देलो देन सी फार्मूला पुट करी तुम्हें तार आंसर बा सॉल्यूशन फाइंड करबो। तो हब करछि पिला माने तमन आराम से बुझी पारथु। एबे या विषय रे गोटी एक्स एक्सिस रे प्रॉब्लम नबा तारो सॉल्यूशन करबा, एंड गोटी वाई एक्सिस रे प्रॉब्लम नबा तारो सॉल्यूशन फाइंड करबा। ओके, तो लेखिबा क्वेश्चन लेखिबा गोटे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिजी, फाइंड द वॉल्यूम find the volume of the solid y is equal to 1 y is equal to 2. Okay, that's simple solution find with the solution. Let's see that student question kon koisi na find the volume of the solid using cylindrical shell method the region bounded by the curve about x axis. Tale kahi dila region ta bounded above kothire huchi ba bounded is curve ta kothire ko axis re na x axis re, that means ame bujhi gelu ki eta tomar around x axis re revolve korchi ba ye around x axis re achi ba along x axis re achi, in tar curve ro dei dichi akar curve dei dichi x is equal to 1 plus y square and x is equal to 0 y is equal to 1 y is equal to 2 tomar दे दी लिमिट पॉइंट दे दी ए टू बी लिमिट के दे दी एंड एक्स फंक्शन भी दे दी एबे जस्ट आम देखा यहाँ कौन देख लु ना एक्स एक्सिस एलंग करती एलंग एक्स एक्सिस अच्छी तमें आम एलंग एक्स एक्सिस फर्मुला पुट कर सल्यूशन फाइंड कर देपर हप कर बुझी पार्थ। ओके ओके सल्यूशन देख उट लिखा आम फास्ट उट आम जानू कि कौन जानू ना उट वॉल्यूम भि इज इक्वाल टू लिखीद उट the volume, we know that the volume of the solid by cylindrical shell method v is equal to kon na integration a to b 2 pi y into f of y into dy, bas formula mone rahila, formula mone rakhithibo, formula put karibo tar solution tumhe paibo. Okay, then which is equal to integration of a to b
टू पाई बाहर को नहीं आसली कहीं कन्स्टांट वाई रही वाई डट एफ वाई ओके कौन कहली वाई इंटू एफ वाई तो वाई रही एफ अफ वाई के पाने एफ अफ वाई पे मन पक देख ये देख एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अच्छे सो एक्स जहाँ एक्सटा को आम कौन लिखी थाउ ना एफ अफ वाई तो तुमको पे कह नर्माल फंक्शन रिलेसन फंक्शन में पढ़ी थी मन पकाओ कि वाई इज इक्वल टू तुम साधारण पढ़ो एफ अफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ अफ एक्स यहाँ भेरिएबल चेंज हो ये सेपटे पड़ी जाए कौन जो एक्स इज इक्वल टू सेमती कहीपर एफ अफ वाई एक्जाक्टली एक्स इज इक्वल टू कौन जानते ना एफ अफ वाई तो डायरेक्टली एफ अफ वाई जगह ये भैल्यू आसो के वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओके इज इक्वल टू टू पाई तो बाहर रही लिमिट पॉइंट ए टू बी अच्छी सॉरी लिमिट पॉइंट के वाई इज इक्वल वन टू टू तो वाई इज इक्वल टू कौन इंटीग्रेशन लिमिट पॉइंट वन टू टू वाई इंटू वन दैट इज वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर दैट इज वाई क्यू रोल डी वाई मालिक कौन ना इंटीग्रेशन करवा ठीक अच्छे तो इज इक्वल टू टू पाई कन्स्टांट बाहर को रही पिले तो वाई रे कौन करवा ना वाई इंटीग्रेशन करवा वाई इंटीग्रेशन कले पिले के वाई इंटीग्रेशन पिले तुम रही वाई स्क्वायर बाय टू हाँ वाई स्क्वायर बाय टू ओके रोल लिमिट पॉइंट लिखी थी कितना वन टू टू प्लस वाई क्यू इंटीग्रेशन कले के ना वाई टू दी पावर फोर होल डिवाइडेड बाय फोर रोल लिमिट पॉइंट वन टू टू ओके अफ कोर्स बुझी पार्थ ठीक अच्छे जस्ट आम यहाँ कौन करूँ पिले ना वाई सेपरेटली इंटीग्रेशन करूँ वाई क्यू सेपरेटली इंटीग्रेशन करूँ एंड जो लिमिट पॉइंट थी सेपरेटली लिमिट पॉइंट कर देचू बस दैट्स इट एबे देखो जस्ट लिमिट पॉइंट पुट करवा इज इक्वल टू टू पाई होल इंटू देख छोटी टू आगे पुट हो टू 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 स्क्वायर दैट इज फोर फोर बाय टू दैट इज टू माइनस वन पुट हेल्ले वन स्क्वायर दैट इज वन वन बाय टू रहा प्लस एटी कौन हो टू वैल्यू पुट हो टू टू दि पावर फोर दैट इज टू इंटु टू टू इंटु टू टू इंटु टू दैट इज दुईटा चार थोड़े गुणव दुई दुगुणे चार चार दुगुणे आठ आठ दुगुणे षोह तो सिक्सटन बै फोर दैट इज सिक्सटन बै फोर दैट इज फोर माइनस वन पुट हो गले वन बै फोर अफकोर्स बुझी पार्थ कैलकुलेटिव जिनस अच्छे तुम निजे चाहिए करपर ओके इज इक्वल टू पाई होल इंटु के देख पिले दुई रार मिसले के छके छ सिक्स माइनस वन बै टू माइनस वन बै फोर मिसले केलसीएम पिले तुम गोटे काम कर एत किसी करा दरकार डायरेक्ट तुम एलसीएम बाहर करदे है सिंप्लीफाई करदेव एलसीएम फोर है तो ये चार दुगुणे आठ माइनस दुई एक दुई प्लस चार चौ षोह माइनस वन तो कौन हो देख इज इक्वाल टू पाई होल इंटु षोह आठ मिसले चबिश चबीस दुई गले तेईस सरी चबीस दुई गले बैश बैश रू एक गले एक मैंने इंटु एक विभक्त चार तो टू गोटे फोर सहित कटिगले कौन हो ट्वेंटी वन पाई बै टू यूनिट ट्वेंटी वन पाई बै यूनिट ओके पिले हफ कर बुझी पार्थ टू टा फोर टू सहित कटिगले ये तुम ट्वेंटी वन पाई बै टू यूनिट तो ये तुम फाइनाल आंसर तो ये क्वेश्चन आंसर तुम कौन हो जस्ट सिंपल आउ थे कहीदी तुमको देखार अच्छे सॉलिडटा कौ एक्सीस चारिपटे रिभल्व करा कौ एक्सीस सहित अच्छे एलंग कौ एक्सीस ना ये एलंग एक्स एक्सीस अच्छी मैंने तुम कनफर्म हो कि एलंग एक्स एक्सीस फर्मुला ही पुट हे देन तुमको ये कर्व दे फंक्शन दे तुमको ये लिमिट पॉइंट भी पाइल एगेन तुमने भल्यूम सिलिंड्रिकल सेल मेथड को यूज कर भल्यूम फर्मुला तुम पता अच्छी जापार एवं यहाँ फर्मुला वाई एफ वाई पुट कर जस्ट सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन कर लास्ट जो आसा तुम आंसर ओके हफ कर पे बुझी पार्थ बेस किसी डिफिकल्ट ना यापर हमें एक्स एक्सीस देखिले यापर देखिबा हमें वाई एक्सीस रे क्वेश्चन करिबा ओके तो लिभेबा सब को वाई क्वेश्चन वाई एक्सीस रे गोटे क्वेश्चन लिखिबा तार सॉल्व करिबा देन यापर आउ गोटे प्रॉब्लम देखिबा जो थरी दीटा रीजन थिबो मान दीटा कर्व थिबो ठीक अछि तो दुईटा कर्व आसिले दुईटा एको कर्व आसिले केम तार सॉल्यूशन फाइंड करछ से बिषय देखिबा देले हमरो सिलिंड्रिकल सेल मेथड कंप्लीट हिजिबो आमे तापर जिबा सरफेस रिवोल्यूशन ओके तो ऑफ कोर्स बुझि पारथु लिभेबा सब को Let's see that student. Next question is in front of your eye. Next question is use cylindrical cell method. Let us see that use cylindrical cell method. Find the volume of the solid. Okay. But solid तो हमको volume find करने वाला अच्छी. ठीक अच्छी. जेनरेटेड व्हेन द रीजन लिखी दूसरी कौन रीजन ना जेनरेटेड व्हेन द रीजन जेनरेटेड व्हेन द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व ओके एनक्लोज्ड बाय द कर्व ओके कौन दी ना वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स दी आउ कौन दी
x is equal to 4 and x is equal to 9 आउ कोन जे पिले ना y is equal to 0 revolved revolved along revolved along y axis okay this is your question in front of your eye कोची की ओटे सॉलिड रो वॉल्यूम फाइंड करो यूजिंग सिलिंड्रिकल सेल मेथड रे y is equal to root over x deji, x is equal to 4, x is equal to 9, y is equal to 0 deji, revolved about by along y axis. Bas, amma okay, simply answer find kuri hochi. Tamane eti tumhe question dekhi ki jani parcho, ki solid ta revolve korchi along y axis re. Tamane along y axis hele, tar formula bhi kona abo, tamane bhi jani cha, mane rokhi cha. To just formula put kari ba, amme jani cha kona, now we know that the volume of the solid using cylindrical cell method, v is equal to kona jani chu, na integration a to b, integration a to b, 2 pi into x into f of x whole into dx. Okay, it formula me jani chu along x axis, sorry, y axis chile. Okay, okay. Epe just pila mane kon kariya pile, na it taro value put kariba. To ya purvo lekhi to bajanti hela. We know that the volume of the solid using cylindrical cell method v is equal to etiki. Then is equal to limit point put kariba, or 2 pi x f of x ra value just me put kariba. Okay. ओके डियर इंटीग्रेशन लिमिट पॉइंट ए टू बी देखो ए केते एक्स इज इक्वल टू 4 टू 9 दिथि तो 4 रहिला ऊपर 9 रहिला 4 टू 9 2 पाई होल इनटू एक्स रहिला एफ ऑफ एक्स केते पिले एफ ऑफ एक्स माने पका एफ ऑफ एक्स वाई जहां एफ ऑफ एक्स सेया तो एटी वाई केते ना रूट ओवर एक्स तो एफ ऑफ एक्स केते ना रूट ओवर एक्स इनटू डीएक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाहर को ने गेले बिकॉज़ दिस इज कांस्टेंट नाउ इंटीग्रेशन लिमिट पॉइंट 4 टू 9 x into x, x रो पावर किसने मैंने 1, एटी x रो रूट ओवर जहां x रो पावर 1 by 2 से या अब करते बुझी बार तो आधार रो जोन कर समान से ने घातांक को मिसी जीवो ताले कौन जीवो x to the power 3 by 2 into dx अबे नॉर्मली इंटीग्रेशन करो 2 पाई रहिला x to the power 3 by 2 रो इंटीग्रेशन करले कौन जीवो ना x to the power 3 by 2 plus 1 होल डिवाइडेड बाय 3 by 2 plus 1 रो लिमिट पॉइंट 4 टू 9 ओके सर ठीक अछि नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 पाई होल इनटू x to the power 3 by 2 plus 1 3 by 2 plus 1 को ले कौन जो पिले ना 5 by 2 x to the power 5 by 2 whole divided by 5 by 2 limit point 4 to 9 एबे जस्ट पिले माने कौन करिबो देखो इटू 5 by 2 तळे ओछि ताको बाहर को नै आनो बिकॉज़ दिस इज कांस्टेंट तो 2 पाई थिला 5 by 2 टे अपोट गेसिले 2 by 5 हे जिवो भीतर कौन ओछि ना x to the power 5 by 2 limit point 4 to 9 एटा कटाकटी होछि कि ना कटाकटी हो नै तो कौन जिवो 4 2 into 2 दैट इज 4 pi by 5 एबे देखो x to the power 5 by 2 limit point 4 to 9 तो आगे एडी कौन करिबो x जगह रे 9 पुट करो तो 9 to the power 5 by 2 minus 4 to the power 5 by 2 limit point पुट करलो जस्ट आंसर बाहरिबो एबे देखो पिले मे को एमते लेखि परबी एबे इटू तमे निजे सॉल्यूशन बाहर कर दे परबो ठीक अछि डोंट वरी तो 4 pi by 5 देखो इटा को मे एमते लेखि परबी 9 रो स्क्वायर into root over 9 minus 4 रो स्क्वायर into root over 4 ओके केमती देखो 9 टू द पावर 5 बाय 2 जा हम लिखि परि 9 टू द पावर 5 बाय 2 को एमति लिखि परिबे कि 9 रो स्क्वायर इनटू 9 टू द पावर 1 बाय 2 आधार समान से तो घातांक परस्पर जुग हे जइबो तो कोनी जो पिले देखो ठीक कहू छी तो कोनी जो 9 टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 9 टू द पावर एडी एलसीएम 1 तो यार ओछि 1 तो 1 टू एलसीएम 2 तो कोनी जइबो 2 2 गुने 4 4 1 5 5 बाय 2 तो 9 टू द पावर 5 बाय 2 जहां हमें कौन लिखि दू ना 9 रो स्क्वायर इनटू 9 टू द पावर 1 बाय 2 तो 9 स्क्वायर रही छि ए 9 टू द पावर 1 बाय 2 जहां रूट ऑफ 9 से तो हब करसे बुझी पारतो सही अनुसार से पटर भी हमें ठीक से एंती करछु एबे देखो इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5 होल इनटू 9 रो स्क्वायर पे लेके 81 81 9 रो रूट ऑफ 3 तो 81 रे 3 गुणी बा 81 रे 3 गुणी ले पते पिला केते ना 3 1 3 3 8 24 243 माइनस 4 16 4 रो रूट ऑफ 2 तो 16 2 गुणी 32 तो एबे देखो 4 पाई बाय 5 रहिला 243 रु 32 दिबो तो 3 रु 2 गले 1 4 रु 3 गले 1 2 रहिला तो कोन इतो 211 4 से तो मल्टीप्लाई कर दियो तो 4 1 4 4 1 4 4 2 8 844 पाई बाय 5 यूनिट एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन किछ डिफिकल्ट नै ता किछ एमदी ये नै कि तुमको थ्योरेटिकल अछि कि तुमको क्रिटिकल लागिबो क्वेश्चन सेम किसी प्रॉब्लम नै जस्ट क्वेश्चन देखु देखु तुमको जणा पड़ी जिवो कि क्वेश्चन टा को एक्सिस रे अछि आ वन्स तुमे जानि नै को एक्सिस रे अछि एन से एक्सिस रे फार्मूला भी तुमको जणा आछि
प्लस फर्मुला पुट कर फर्मुला अनुसार यहाँ नर्माल इंटीग्रेसन कर लिमिट पॉइंट पुट कर सिंपल जिन बाहर कर सिंप्लीफाई कर आउ किसी ना ओके अफ कर्स पे सिलिंड्रिकल सेल मेथड आराम से टी क्लीयर हो क्वेश्चन आसे अटेम्प्ट करें नेक्ट आम आउ गोटे क्वेश्चन जी आउ गोटे कन्सेप्चुअल जिन जा तुम गोटे फंक्शन दूसरी वाई इज इक्वल रूट ओवर एक्स गोटे जिन दूसरी तुमने यहाँ फाइंड कर दौ से तुमको कौन कर दुईटा रिजन थी दुईटा कर्व थी दुईटा फंक्शन थी से परस्पर को मीट करते कि जाइए से आम एक्चुअली सिलिंड्रिकल सेल मेथड को यूज करमी से प्रोब्लेम सॉल्यूशन बाहर करते नेक्स्ट मैंने लिभेक देखा ओके तो लिभेवा सबको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करिबा तो लेट्स मूव विथ मी।